हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये कैपेसिटर के कनेक्शन करने के बाद से अगर आपका मोटर उल्टा चल रहा हो तो उसके लिए आप क्या करें। मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और हाँ, मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे सामने एक पंप मोटर पड़ी हुई है जिसका मैं कनेक्शन आज करने जा रहा हूँ। तो कनेक्शन में जैसे इसमें से दो लीड निकलती है रनिंग का, और दो लीड निकले हुए स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का हरा वाला लीड है और रनिंग वाइंडिंग का सफ़ेद वाला लीड है। तो सबसे पहले एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हम कॉमन बनाएंगे, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर में चले जाएंगे। ये कैपेसिटर है जिसमें 10 MMD का कैपेसिटर लगते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों कैपेसिटर में चले गए। अब मैं इसको चला रहा हूँ। ये मेन लीड है, जो सप्लाई का लीड है। ये एक को मैंने कामन में जोड़ूंगा, मैं देखिए, और एक को कभी भी जोड़ना चाहिए रनिंग में, कैपेसिटर के साथ जो रनिंग लगी हुई है उसमें जोड़ना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं जोड़ना चाहिए दोस्तों। ये रनिंग में जोड़ देते हैं एक। अब मोटर को चलाते हैं। ये बिजली का बोर्ड है, इसमें सप्लाई देकर इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए मोटर, दोस्तों मोटर चल रही है, लेकिन मोटर चल रही है, लेकिन ऐसे चल रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, जबकि मोटर को क्लॉकवाइज चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। तो ये ऐसे चल रही है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मोटर पानी नहीं उठाएगी, पानी नहीं बिल्कुल उठाएगी, इधर से खींचेगा ही नहीं तो इधर से आउट नहीं करेगी पानी। ऐसे कई बार हो जाता है दोस्तों, आप लोगों के साथ भी हो जाता होगा कि कोई कोई मोटर उल्टा चलने के कारण पानी ऊपर नहीं उठाती है। तो मोटर पानी न उठाने का तो दो कारण होते हैं, एक उल्टा चलती है फिर भी नहीं उठाएगा, और एक इम्पेलर अगर घिस जाते हैं फिर भी नहीं उठाता है। तो इम्पेलर अगर घिस जाए तो इम्पेलर चेंज करना चाहिए। मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ पहले, आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई लिंक में देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल में ये मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, जबकि इसको क्लॉकवाइज चलना चाहिए। देखिए, एक बार और चला के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो अब दोस्तों, इसको क्लॉकवाइज करने के लिए आइए बताता हूँ, छोटी सी चीज़ है। लेकिन इसके पहले दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि एक ज़रूरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप इस चार लीडों में, इस कैपेसिटर को मैं हटा दे रहा हूँ, इस चार लीडों में दो सफ़ेद और दो हरा लीड में आप रनिंग बाइंडिंग कैसे पहचानेंगे। मैं तो इस मोटर को वाइंडिंग किया हूँ तो मुझे मालूम है कि सफ़ेद वायर रनिंग है और हरा वाला वायर स्टार्टिंग है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, या मुझे भी कैसे पता चलेगा, अगर पैक मोटर कोई भी आए तो रनिंग बाइंडिंग कौन है, क्योंकि रनिंग में ही मेन सप्लाई देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। इस रनिंग बाइंडिंग को और स्टार्टिंग बाइंडिंग को चेक करने के लिए दोस्तों मल्टीमीटर की आवश्यकता होती है, कि बिना खोले हम कैसे जानेंगे। तो ये मल्टीमीटर है जो मेरे पास है। तो मल्टीमीटर को दोस्तों ओम पे, 200 ओम वाली पिन पे रखना पड़ता है। ये ओम है, 200 ओम वाली पिन पे रखना पड़ता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जानकर ही हम इसको चेक कर सकते हैं कि रनिंग बाइंडिंग कौन है, स्टार्टिंग बाइंडिंग कौन है। तो रेजिस्टेंस में ओम पे ही इसको लगाएंगे। और सबसे पहले दोस्तों, सफ़ेद वाले वायर को चेक करेंगे या ग्रीन वाले को, कोई को भी चेक करेंगे, दोनों एक साथ। अगर ग्रीन को चेक करेंगे तो दोनों ग्रीन एक साथ करेंगे, और वाइट को चेक करेंगे तो दोनों वाइट एक साथ चेक करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले वाइट वाले तार को चेक कर रहा हूँ। 12.0 इसका रीडिंग बता रहा है। तो आइए दोस्तों, इसको, इस रीडिंग को मैं नोट कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये जो कागज़ कलम से मैं इसको, जैसे यहाँ पे वाइट लिखा हूँ तो वाइट वाले में 12.0 रीडिंग आ रहा है। अब ग्रीन भी यहाँ लिखा हूँ, अब ग्रीन वाले को मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों कि ग्रीन वाले में कितना रीडिंग बता रहा है। अब मीटर की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो मैं हरा वाले को चेक कर रहा हूँ, हरा वाला में रीडिंग बता रहा है 29.6 बस दोस्तों, मेरे सवाल का जवाब अब मिल गया यहाँ पे। तो आप भी एक बात और ध्यान दे दीजिए कि कभी भी रनिंग बाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम होते हैं और स्टार्टिंग बाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, किसी भी मोटर का रनिंग बाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम होते हैं और स्टार्टिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाइट वाले में रेजिस्टेंस कम है, 12.0 है, और ग्रीन वाले में 29.6 है। तो कभी भी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो स्टार्टिंग बाइंडिंग होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो रनिंग बाइंडिंग होगा। तो ये बाइंडिंग रन है, यही पहचान है दोस्तों, और ये बाइंडिंग स्टार्ट है।
तो ऐसे आप जान सकते हैं कि रनिंग बाइंडिंग कौन है और स्टार्टिंग बाइंडिंग कौन है। तो आइए दोस्तों इसको एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कैसे चलता है उसको चलाते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को हमने जोड़ रखा था, ऐसे कॉमन बना लिया था, और इसको कैपेसिटर को एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में जोड़ रखा था। इस कनेक्शन पर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज मोटर चल रही थी, एक सप्लाई इसमें दे रहे थे, एक सप्लाई इसमें दे रहे थे, तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, इसको चलना चाहिए ऐसे। तो दोस्तों क्लॉकवाइज चलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस रनिंग वायर को चेंज कर देना पड़ता है। जैसे ये रनिंग वायर सफ़ेद वाला है तो इसकी जगह बदल देनी पड़ती है, इस तार को यहाँ कर देना पड़ता है और इस तार को वहाँ कर देना पड़ता है, बाकी सब तार ठीक सेम ऐसे ही रहेंगे, केवल इस दोनों तार को एक दूसरे से चेंज करना पड़ता है। तो आइए इस दूसरे से चेंज कर देते हैं। सबसे पहले कॉमन वाले से छुड़ाते हैं और कैपेसिटर वाले से भी सफ़ेद को छुड़ा देते हैं। अब कैपेसिटर में ये सफ़ेद गई थी तो अब ये सफ़ेद कैपेसिटर में चली आएगी। देखिए दोस्तों ये सफ़ेद कैपेसिटर में चली आएगी और जो पहले कैपेसिटर में आई थी वो कॉमन में चली जाएगी। मतलब सफ़ेद वाले तार को केवल चेंज कर देना रहता है, बस यही बारीकी है इसमें। सफ़ेद वाली यानी रनिंग बाइंडिंग को चेंज कर देना पड़ता है, जो मैंने चेंज कर दिया। अब इसमें और इसमें सप्लाई देंगे तो बिल्कुल मोटर क्लॉकवाइज चलने लगेगी। तो सप्लाई देकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैंने मेन सप्लाई इसमें जोड़ दिया है, एक कॉमन में और एक रनिंग बाइंडिंग यानी सफ़ेद वाले में। अब मैं इसको चला रहा हूँ, इसको बिल्कुल सीधा चलना चाहिए, क्लॉकवाइज चलना चाहिए। ये सप्लाई मैंने दे दिया, अब स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सीधा चलने लगी, ये बिल्कुल इस स्पीड में चल रही है, पहले ऐसे चलती थी अब ऐसे चल रही। देखिए एक बार और चला दे रहा हूँ, देखिए बिल्कुल सीधा चल रही है। तो दोस्तों ये रहा पूरी जानकारी। अगर आपका मोटर उल्टा चल रहा हो तो सिर्फ रनिंग बाइंडिंग को केवल चेंज कर देना है, जो रनिंग लीड दो ठो निकली हुई रहती है अंदर से, उसको केवल एक दूसरे को चेंज कर देना पड़ता है, पहली वाली जगह पर दूसरी वाले को, दूसरी वाली जगह पर पहले वाले को कर देना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई आपको कमेंट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।